हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है इंडियन मुस्लिम्स एंग्री ऑन पाकिस्तान। इंडियन मुस्लिम क्या खा ले, हम भी एंग्री एट पाकिस्तान है। इंडियन अमेरिकन ऑल्सो एंग्री, एवरी इंडियन एंग्री। इंडियन पब्लिक रिएक्शन ऑन पाकिस्तान। चलो देखें तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनके दिमाग के अंदर जहर घोला जा रहा है। अगर उनको सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी, पाकिस्तान का आदमी का जहर खा रहा है, मतलब नाक में खा रहा है क्या, उसको नहीं पता है क्या? या पता होता तो फिर काहे के लिए हमें तो वो इसका मतलब वो बच्चे हैं। अभी पाकिस्तान को अगर दर्द है हिंदुस्तान को, तो आके हिंदुस्तान में आके विजिट करे, अपना देखे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। टैन कहाँ पर होती है? लाउड स्पीकर से होती है कि नॉर्मल? लाउड स्पीकर से होती है। कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ये अफवाह पाकिस्तान के फैला रहे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्योहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है। हाँ, जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए। हाँ, सब में अजान होती है? सब में अजान। कितनी बार होती है? दिन में 5 बार। ना नमाज पढ़ने दिक्कत है, ना परब का त्योहार में दिक्कत है, कोई चीज में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं। वहाँ के लोग जो देखते हैं तो अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कोई मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। जो हिंदुओं का काम हो वो अपना काम करते हैं, जो मुस्लिम का काम हो वो अपना काम करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान। आप देख रहे हैं अच्छा, तो मस्जिद लग रही है। और आज हम मौजूद है एक मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद है और यहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे पाकिस्तान के कि भारत के अंदर नमाज बैन है, इसके अलावा अजान बैन है। इसकी इस तरीके की बहुत सारी अफवाहें वहां पर फैलाई जाती हैं। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखा देंगे और यहां पर जो लोग पढ़ के निकलेंगे उनसे भी हम लोग बात करेंगे। बेटा आप पढ़ चुके नमाज? हाँ, कितने टाइम? 12:30 बजे। क्या नाम? अच्छा, मोहम्मद इदरीस। आप पढ़ चुके हो? जी हाँ। कौन से मस्जिद में पढ़े? अली मस्जिद में। कोई दिक्कत होती है नमाज? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद साजिद। आप भी पढ़ चुके हो? जी। कौन से मस्जिद में? नूरी मदीना मस्जिद में। इस कस्बे में कितनी मस्जिद हैं टोटल? यहाँ से 10 से 15 मस्जिद हैं। तो कोई नमाज वमाज पढ़ने जाए तो कोई दिक्कत हो? नहीं नहीं, कोई नहीं। अभी कुछ लोग बाहर से निकलेंगे, फिर हम बात करते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा अगर आप चाहो तो फुटेज ले सकते हो आप अंदर जाके। मैं तो सुना था मस्जिद में अलाउड नहीं होता घुसना, पता नहीं कौन सी मस्जिद थी, पता नहीं किसकी सुन रही थी, बाहर होती है। इंडिया में बच्चा इधर देख रहा था, लगा कैमरा है उधर पढ़ने लग गया। पकड़ा जाऊंगा, कर नहीं रहा था। क्या करते हो? काम क्या करते हो? मतलब पढ़ते का, दुपट्टे का, स्टॉल हो गया, कपड़े का काम? कपड़े का काम। अच्छा ये बताओ, यहाँ नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत आती है? आप आते हो आराम से नमाज पढ़ते हो, कोई परेशानी आती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कितनी बार नमाज पढ़ते हो? दिन में 3 बार 2 बार, जैसे भी हो। अच्छा, जैसे टाइम मिलता है मतलब उस हिसाब से पढ़ लेते हो। और आज जो शुक्र वाली नमाज है हमेशा पढ़ते हो आप? हाँ। ये बताइए, जो अजान होती है वो किस तरीके से होती है, मतलब कैसे आपको पता चलता है कि अजान हो रही है? अजान होती क्या, हर मुसलमान बंदा जान जाता है कि मतलब अजान का वक्त है, अजान होने वाली है। नहीं, कैसे आप अजान कैसे सुनाई पड़ती है आपको? कानों से सुनाई देती है, लाउड स्पीकर से ना आवाज जाती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे। कुछ हमारे बाहर के लोग हैं जिनको ये लगता है कि बाहर क्या, पाकिस्तानी बोलो, लाउड स्पीकर पे कोई अजान देगा तो उसको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। आपके यहाँ जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए? हाँ, सब में अजान होती है। मैंने तो सुना था कि बंद कराना चाहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। कितनी बार होती है? 5 बार। कोई परेशानी, कोई रोक टोक है यहाँ पे? कुछ नहीं है ना। आप किसी भी टाइम आके लोग नमाज पढ़ते हैं उसकी भी कोई रोक टोक नहीं है? अगर इस तरीके की अफवाहें कोई फैला रहा है तो उससे कैसे निपटा जाए? किस तरीके के लोग होंगे? तुम उनको सामने ले आओ, हम बता देंगे। सामने नहीं ला सकते हैं। दरअसल में देखो, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर ये हाल ही में अफवाह फैली थी कि यहाँ पर जितने भी लाउड स्पीकर थे उनको उतार दिया गया और यहाँ पर बैन कर दी गई अजान। तो उन लोगों को हम लोग कैसे समझा सकते हैं? हम लोग तो दिखा सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना, तभी उनको सुनाई पड़ेगा। अदरवाइज जो चीजें उनको बोली जाएंगी, समझाई जाएंगी, वही तो समझ में आएगा ना उनको। तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं, जो भी बोल रहा है या मतलब यूपी में ऐसा हो रहा है कि मतलब जो बता रहे हैं यहाँ जान नहीं हो रही, ये गलत है। हमने भी यहाँ पे अफवाह सुनी थी कि मस्जिद मतलब किसी और यूपी को छोड़ के कहीं और भी है ऐसा कि अजान नहीं हो रही है, सुनने में आया था हमारे, पर यूपी में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, जिसे ये अफवाहें फैलाई जाती है, इससे जो धार्मिक माहौल है, चीजें हैं, सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, ये खराब करने के लिए
मनाया जाता है, मतलब बनाया जाता है माहौल ऐसा कि जो सब लोग आराम से रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं फूट डाली जाए, तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है? इसमें फूट डालने से क्या, आप हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम लोग सब जानते हैं, यहाँ जितने लोग रहते हैं सब जानते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग देखते हैं कि छोटी सी क्लिप कहीं लड़ाई झगड़ा होता है वो देख के वो दिमाग सेट कर लेते हैं, तो उनके लिए फिर कैसे क्या किया जाए? तो क्लिप बंद कराई जाए ना, वो क्लिप बंद कराई जाए। बिल्कुल, देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मान लो कोई दुनिया भर के कहां देखना चाहता है तो क्या जो है पाकिस्तान को क्या समझाओगे, उनमें दिमाग नहीं है। मेरा मतलब ये है वो आप सब मिलजुल कर रहिए, अपना जो काम है उनसे बने या हमारा उनसे बने, आपस में मिलकर रहें, और क्या है इसमें, मिलकर रहना चाहिए। भारत का हर एक नागरिक यही सोचता है कि सब लोग मिलके रहो, छोटी मोटी घटनाएं जो होती रहती हैं वो हर तरीके के लोग हर देश के अंदर होते हैं, उस तरीके के लोगों को किनारे ही कर देना चाहिए। किनारे का मतलब मेरे भाई इसको कहां जाने दोगे, जो भी है तो इंसान ही। अरे देखो, जो लोग गड़बड़ लड़ाई झगड़ा कराते हैं उनको किनारे, मतलब उनको पूरी अरेस्ट कर लेते हैं, हम लोग उनसे छुट्टी पा जाते हैं, फिर सब लोग आराम से रहने लगते हैं। किनारे का मतलब गए, मतलब सबर करना, अगर कोई तंग कर रहा है तो उसको सबर करो, हमारे दिन में ये है, अगर हम सबर करें तो अगला वाला वो मतलब डाउन हो जाता है, दो हाथ मारेगा क्या होगा, अगर हमारे अंदर सबर है तो सबर कर लेंगे। अरे धीरे धीरे करके सब खत्म ही हो जाती है चीजें। आप भाई नमाज पढ़ते हो? जी पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अजान कहाँ पर होती है, लाउड स्पीकर से होती है कि नॉर्मल? लाउड स्पीकर से होती है। कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ये अफवाह पाकिस्तान के फैला रहे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्योहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है, अफवाह फैलाने लोगों का जिनका है उनका तो यही काम ही है, वो यही करते रहेंगे ना। कोई कहता है कि हम बड़े, कोई कहता है हम बड़े, दुनिया तो है ही अपनी जगह पर, हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा बेटा, आप ये बताओ भाई कि आप नमाज पढ़ते हो, कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो लोग मान लीजिए से पाकिस्तान है, वहाँ के कुछ लोग हैं, मीडिया है, वो ये चिल्लाता रहता बीच बीच के अंदर कि भारत के मुसलमान आजाद नहीं है, गुलाम है, इसके अलावा नमाज नहीं पढ़ सकते, त्योहार नहीं मना सकते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उधर देख, हम क्या कहना चाहेंगे, उनको जो भी कहना कहने दीजिए, हमारा जो काम है हम वो अपना काम कर रहे हैं, उनसे कहने से और हमारे कहने से कोई फर्क तो पड़ जा रहा है नहीं। पाकिस्तान का उधर देख के बोलिए, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? उन्हें जो कह रहे हैं कहने, तो हमारा काम है नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, ये काम है उनको, उनका जो भी काम है वो कहें, गाली दें, बुरा भला कहें, हमारे अंदर दिन में सबर का काम है, सबर करते हैं। अच्छा, तो ये चीजें जब फैलाई जाती है, जैसे अब आप हो, हमने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, इसने बता दिया, तो आपको गलत फहमी होगी ना कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कुछ दिमाग के अंदर, तो इस तरीके की चीजें सोच होनी चाहिए ना उसके लिए, हमारे अंदर जाने अगला आदमी गाली दे हमसे, कोई आकर के हमारे सामने कोई कहे तो हम उसे कहेंगे, कोई किसी को कोई भी कह सकता है, दुश्मन भी होते हैं इस तरह के कि गाली देने वाले कि वो जाके कुछ जलते हैं कि बता दो उनके बारे में कि वो लड़ाई करना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ के कुछ लोग हैं, सारे नहीं, कुछ अच्छे भी होंगे हर जगह, बुरे अच्छे सब होते हैं, तो जो कुछ लोग हैं भारत में जो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, आराम से त्योहार मनाते हैं, उनसे जलते हैं, इसीलिए शायद इस तरीके के बात करने के लिए सब बातें करते हैं। उनसे हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, वो कहते हैं कहने तो भाई, उनका काम जो वो करे, हमारा काम है वो हम करेंगे, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, और कोई मुझसे। धन्यवाद। यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई नहीं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, किस तरीके से सब लोग रहते हैं? जैसे रहते हैं बस वैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, काम करते हैं। जैसे होली है तो सब लोगों ने मिलके, क्या ईद आती है तो सब लोग, सभी लोग जो है मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, सब लोग को मिलजुल के रहते हैं, तभी हम लोग आइए। आप बताइए, अभी नमाज पढ़े आप? हाँ, हमने नमाज। कोई दिक्कत होती है? नहीं, नमाज। कोई त्योहार जो मनाने होते हैं आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत होती? कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से एकदम बिंदास रहते हैं? बिंदास रहते हैं, यहाँ सब मिल मिल के रहते हैं। देख के बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता द्वारा यहाँ सभी लोग एक साथ रहते हैं। वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं। वहाँ के लोग जो देखते हैं तो अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। गुड, यहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, जो हिंदुओं का काम हो वो अपना काम करते हैं, जो मुस्लिम का काम हो वो अपना काम करते हैं। ये बोलो, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं है। वीडियो बनाने का मतलब ये था कि मेरे वीडियो के नीचे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि दम है तो दिखाओ जाके, तो हम कहें भैया यही कि नमाज लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, और ये चीजें नमाज क्या मतलब, मतलब कि वो कह रहे थे पाकिस्तान के कुछ लोग कमेंट किए थे कि यहाँ के दिखाओ भैया के यहाँ हिंदुस्तान से क्या वास्ता भाई, पाकिस्तान है पाकिस्तान। आप ये बताओ कहाँ रहते हैं आप? हम यही बारह रहते हैं, पाकिस्तान की बात कह कर रहे हैं।
इसलिए कर रहे हैं कि उनके दिमाग के अंदर जहर घोला जा रहा है, अगर उनको सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी। पाकिस्तान का आदमी का जहर खा रहा है, मतलब नाक में खा रहा है क्या, उसको नहीं पता है क्या? या पता होता तो फिर काहे के लिए हमें ये? तो वो इसका मतलब वो बच्चे हैं अभी, उनको आप बड़ा करिए ले जाके पाकिस्तान में। अरे हम कहां से बड़ा? भाई भाई जब उनको इतनी समझ नहीं है कि जो आप बता रहे हैं नमाज, क्या बता रहे थे अभी आप? मतलब वो देखे, सुनिए 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 सुनिए, देखिए भाई हम जानते हैं, आप जानते हैं भाई, सब लोग जानते हैं यहाँ पर, लेकिन जो दूर बैठा है उसको जो बताया जाएगा, उसके जो वहाँ के मीडिया दिखाएगी, वही तो हम लोग जानेंगे ना। पाकिस्तान को अगर दर्द है हिंदुस्तान को, तो आके हिंदुस्तान में आके वो विजिट करे अपना, देखे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। जी जी जी, आप उनको बोलिए। किनको बोले? ये पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान को कोई दर्द है तो हिंदुस्तान में आके अपना देखिए कि हिंदुस्तान में कैसे चल रहा है। हमको पाकिस्तान से क्या मतलब? अच्छा बता भी दीजिए कैसे चल रहा है, क्या चीज भारत में कैसे चल रहा है? भारत में देखिए, हिंदुस्तान का मैं नागरिक हूँ, ठीक है, हिंदुस्तान में जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, सुकून से, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पहली बात तो जात तो दो है, मैं पूरी दुनिया के अंदर सीना ठोक के कह रहा हूँ, जात सिर्फ दो जात है, औरत जात और आदमी जात, ना हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ दो जात है, औरत जात और आदमी जात, क्लियर है। और पाकिस्तान, रही बात पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान को कोई दर्द हो तो हिंदुस्तान में आकर घूम ले, विजिट कर ले, उसको जो दिक्कत हो वो बताए। भैया अगर आप लोगों को दिक्कत है, कोई डाउट वाउट है, तो फेसबुक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ लोगों से बात करके तब अपना परसेप्शन बनाइए, है ना। तो इसके अलावा और बहुत ज्यादा दर्द है, को कोई दिक्कत तो है? दर्द न ले ज्यादा, भारत जो है मुफ्त है सब चीज के लिए, आदमी है जहाँ का खाएंगे यहाँ का बोलेंगे, मुझे दूसरे देश से क्या वास्ता है? पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मुझे अपने देश में खाना, अपने देश में गेहूं उगाना, चावल उगाना, वो सब खाना पीना, अपने देश का रहना, देश का गाना गाना। जी, हर एक आदमी को अपने देश के लिए सोचना चाहिए। वो लोग भी देश से क्या मतलब भाई? देखिए किसी का क्या होता है, देखिए भाई बात समझिए, जैसे हमारे दूसरे का, हमारे पड़ोसी को रहता है, उससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन अब उसको गलत फहमी अगर हो जाएगी तो हम दूर कर लेंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। पाकिस्तान को अगर दर्द हो तो हिंदुस्तान आए ना भाई, वो हमारे ठेकेदार है क्या? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान का वो देखिए, पाकिस्तानियों कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके हम ठेकेदार हैं, मतलब बहुत ठेकेदार हैं। वहाँ पे जो भूकंप आया करो उसको पहले संभालें, फिर हिंदुस्तान की खबर लें। भूकंप टर्की में आया है? अरे टर्की में आया, पाकिस्तान में जो भूखमरी चल रही है, पहले अपना संभालें वो, फिर हिंदुस्तान की खबर करें। मेरा मतलब ये है, बहुत ही ठीक बोला है, हमें नहीं जाके दिखाना पाकिस्तान को, समझाना कि भाई हमारे यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम्हें जो समझना है समझो, वी डोंट केयर। जो लास्ट में भाई साहब आए थे वो ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, इसीलिए उनको अजीब सा लग रहा था, तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? बिल्कुल ये बोलना, फिर उनको समझाया गया भाई ये होता है, तो उनको यही बोला कि मुझे क्या लेने देना पाकिस्तान से। ये ट्रू, जो पहली बार देखते हैं उसको ये लगता है ये क्या पागलपन, क्या पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हो इंडिया में बैठे, हमें क्या लेने देना, वो क्या सोचते नहीं, अगर इतनी तकलीफ है यहाँ पे आके देख लो, अगर तुमको इतनी तकलीफ हो रहा है। मगर उन्होंने बहुत अच्छा किया दिखाने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लोगों ने कहा था हिम्मत है तो दिखाओ दिखाओ, देखो कितनी तो मस्जिद के सामने गए, उन्होंने दिखाया, ये देखो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं सब बढ़िया है, अजान भी होती है, लाउड स्पीकर है, सब बढ़िया है, तो उससे प्रूफ कर दिया उन्होंने, और कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ नहीं, इधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं सारे। स्क्रिप्टेड तब होता है जब ये एक ही जगह खड़े हैं, पाकिस्तान वाले दिखते हैं सारे, क्योंकि वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, लोग आते हैं और यहाँ पे ये जगह जगह जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, और उनको बताना पड़ रहा था लोगों को कि भैया मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतने हैरान हो रहे थे, तो तुम हमसे ऐसी अजीब क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो, क्योंकि उनको यही लगता होगा ना कि पाकिस्तान पाकिस्तान की तुम बातें कर रहे हो हमारे साथ, और तुम्हारे इस टाइप से बात कर रहे हो, वजह क्या है तुम्हें ऐसी बातें हमारे साथ कर रहे हो, वो इतने हैरान हो रहे हैं। बहुत अच्छा किया, वेरी अमेजिंग था, मजा आया सुनने में, और जवाब भी बड़े अच्छे थे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।